हेलो नमस्कार किसान भाई, आप देख रहे हैं मालानी खेती चैनल में। आप लोग बहुत बहुत स्वागत। आज हम लेके आए एक देसी जुगाड़ जो आपको बताएंगे पौधों के अंदर यूरिया किस प्रकार डाली जाती है। तो इनके लिए मैंने एक देसी जुगाड़ बनाया जो आपको हम दिखा रहे हैं। ये एक देसी जुगाड़ है, आप अपने घर पर बना कर तैयार कर सकते हैं। ये PVC का पाइप है और ये पीछे मैंने ढक्कन लगाया है और इसके अंदर हम यूरिया भरेंगे। यूरिया भरने के बाद हम पौधों के जो अरंडी के पौधे होते हैं, जो बड़े पौधे होते हैं, उनके अंदर हम यूरिया किस प्रकार डालते हैं। तो इसके लिए हमने एक देसी जुगाड़ तैयार किया है। तो हम आपको बताएंगे किसके अंदर यूरिया को कैसे भरने के बाद पौधों के अंदर डाला जाता है। तो ये हम इस जुगाड़ को मैंने अपने घर पर बनाया, तो आप इस जुगाड़ को देखकर अपने घर पर बना सकते हैं। इस बनाने का आपको तरीका हमारे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा, जिसको आप वीडियो देखकर अपना ये जुगाड़ बना सकते हैं। तो हम बताएंगे आज इसके अंदर यूरिया किस प्रकार भरने के बाद अपने फसलों के अंदर देते हैं। तो चलिए पहले हम अपने यूरिया और खाद को मिक्स करते हैं। इसके लिए मैंने जो अरंडी के पौधे उसके अंदर डालने के लिए एक किसान जो ये खाद आती हैं, किसान बेटोनाइट सल्फर जिसे हम बोलते हैं, ये आप देख सकते हैं। इस प्रकार की खाद अपने बाज़ार के अंदर मिलती है, तो वो लानी है। और एक ये दूसरी खाद है जो आप देख सकते हैं, ये वो दोनों खाद हम यूरिया के अंदर मिक्स, हाँ ये येलो 90 जो ये पौधों के अंदर, जो ये आप देख सकते हैं कि कौन से पौधों के अंदर डाली जाती है। तो हर फसल के अंदर इस खाद का हम यूज कर सकते हैं। तो मैंने अपने अरंडी के पौधों के लिए ये खाद हम लेके आए हैं। तो ये दोनों खाद हम जो आप देख सकते हैं, ये मेरे पास यूरिया है, पहले मैंने डाल दी थी यूरिया, अभी मैंने देखा तो हम जैसा कि इस पंप के अंदर हम कैसे डालते हैं, तो हम किसान भाइयों के लिए ज़रूर बताएंगे। इसके लिए मैं ये यूरिया मेरे पास इतनी बसी है, तो इन दोनों को हम मिक्स करेंगे। मिक्स करने के बाद इस पाइप के अंदर भरेंगे, भरने के बाद हम अपने पौधों के अंदर डालेंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। तो अब पहले हम अपनी खाद को मिक्स कर लेते हैं, फिर चलते हैं हमने फसलों के अंदर। भाई आप देख सकते हैं ये खाद है जो हमने अभी तैयार कर दी है, एकदम ये तैयार है। अब इसके अंदर हम जो ये पंप है, आप देख सकते हैं ये मैंने जो जुगाड़ अपने घर पर बनाया था, ये पंप इसके अंदर भी भरेंगे। भरने के बाद हम सीधा चलते हैं ले आपको फसलों के अंदर, जहाँ अरंडी की फसल हमने बोई है वहाँ पर आपको लेके चलते हैं और किस प्रकार ये डालते हैं, ये किस प्रकार काम करता है। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो के अंत तक बने रहें, तभी आपको समझ में आएगी ये पंप कैसे चलता है, कैसे बनता है। तो इनकी पूरी जानकारी में हम वीडियो के अंत में बनाएंगे। तो पहले हम इसको इसके अंदर भर लेते हैं, भरने के बाद सीधा चलते हैं हम अरंडी की फसल के अंदर। खाद भरने के बाद फसल के अंदर जो आप देख सकते हैं, अब इस हम डालेंगे अरंडी की पौधों के अंदर। तो आप देखते रहे इस जुगाड़ को कैसे काम करता है। तो अब हम चलाएंगे इस जुगाड़ को और हमने फसल के अंदर जो यूरिया भरी है उस यूरिया को इसकी जुगाड़ की मदद से हम यूरिया देंगे। तो बने रहे हमारे वीडियो के अंत तक। ये जुगाड़ आपको कैसा लगा हमें वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताना। अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जय हिंद, वंदे मातरम, जय जवान, जय किसान।